हेलो दोस्तों नमस्कार, राजू देख रहे हैं लखनऊ बाजार चैनल। आज हम आए हुए हैं पंडित जी डेयरी फार्म पर और यहाँ से दिखाएंगे कुछ भैंसों का वीडियो जो बिक्री के लिए उपलब्ध है। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या नाम हो आपका? हमारा नाम अमन पंडित। अमन पंडित, तो अपना एड्रेस कहाँ का हुआ? अपना एड्रेस पड़ता है आलमबाग लखनऊ में, सिंघा नगर मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी कनौसी फाटक के पास। जी, तो कहाँ से आती हैं? अपने पास वैसे आती हैं हिसार से। हिसार? हाँ। तो कितने पैसे आज उपलब्ध हैं आपके पास? 7 भैंसे हैं। 7 भैंसे आज ही आई? जी, अभी उतरी गाड़ी। जी, गाड़ी वो क्या सामने खड़ी है। तो ये देखते हैं आप लोग, अभी उतरी गाड़ी से भैंसे, 7 भैंसे उतरे ना जी। ये देखते आप लोग, ये देख पाए, ये इतनी भैंसे अपने पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। जी, सेल तो नहीं है अभी? तो सेल हो गई इसमें, तो सेल हो चुकी है। ये सेल हो गई है, ये सेल हो गई है अभी गाड़ी में भी आई है और एक ये भी आ गई, सेल हो गई है। 4-5 दिन की भी आई हुई, 4 दिन की भी आई है, ये सेल हो गई है। तो ये अभी दांत में इसने बच्चे किए? ये 2-2 दांत है, पहला पड़ गया दोनों। हाँ, ये अभी रास्ते में भी आई है, सुबह 5 बजे सुबह भी आई है, उसका बच्चा उधर बंधा हुआ है। ये देखते आप लोग, अभी इसने 5 बजे बच्चा दिया, 2 दांत की पहला पड़ गया है, ये खून लगा हुआ है। ये देखिए ताजी भी आई हुई है, ताजी भी बिल्कुल। ये देखते आप लोग चारों तरफ, बाहर निकवा दें पड़ गया। ये देख सकते हैं आप, ये पहला पड़िया है 2 दांत की, अभी 5 बजे बच्चा दिया इसने। ये देखो, तो भैया कितने में सेल हुई है? ये सेल हुई है 90,000 रुपये की। 90,000 रुपये? ये देखते हैं आप लोग, 90,000 रुपये में सेल। तो दूध कितना कर देगी ये? दूध देना चाहिए 10 से 11 लीटर। 10 से 11 लीटर? तो भैया बता रहे दूध 10 से 11 लीटर करेगी। पहला पड़िया है 2 दांत की, अभी 5 बजे बच्चा दिया है। अभी ये देखते हैं ताजी भी आई, ये देखो रस्ते में भी आई गाड़ी में, रस्ते में भी गाड़ी में, अभी गाड़ी में इसकी जहर भी पड़ी हुई है। देखते हैं बच्चे, ये देखो तो ये कह ले हमरे कह कतई ना। ये देखते हैं अगली भाई, तो भैया इसने कब बच्चा दिया? ये 3-4 रोज की भी आई हुई है। 3-4 दिन हो गए? हाँ। पहली बार इसने भी बच्चा दिया? हाँ पहली बार दिया, 2 दांत है अभी केवल। 2 दांत की बढ़िया है, रेंज सींग है, छोटा सींग है। ये देखते हैं आप लोग आगे, ये देखते हैं, ये देख, तो ये भी सेल हो चुकी है? हाँ ये भी सेल हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप लोग, सेल हो चुकी है। ये कितने में सेल हुई? ये जोड़ा ही दोनों का 1,80,000 का सेल। 1,80,000 का सेल। हाँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, वो पहली वाली और ये दोनों एक साथ सेल हुई जोड़ा, 1,80,000 रुपये। ये देख, तो दूध ये कितना कर देगी भैया? ये भी 10 लीटर दूध देगी बढ़िया। 10 लीटर दूध देगी? हाँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये दोनों देखिए, पहला बढ़िया है, पहले ब्याह में बच्चा दिया है। ये देख सकते हैं 1,80,000 रुपये में दोनों भैंस सेल हुई। ये देखते हैं अगली बार, तो भैया ये कौन से? ये पहला पड़िया 2 दांत, पहला पड़िया। हाँ। बच्चा दे दिया? बच्चा दे, उसको हफ्ता हुआ है, बच्चा मर गया भैया इसका। बच्चा परसों मर गया था बच्चा इसका। हाँ मर गया। ये देखते हैं आप लोग, पहले भी आपने बच्चा दिया, बच्चा इसका मर चुका है भैया बता रहे। तो दूध कितना कर रही है? दूध देगी 10 लीटर पड़िया, 10 से 11 लीटर ऊपर ही देगी, हम 1 किलो कम। ये देखते अभी हम सारे दूध देख रहे हैं, डेढ़ हो चुका है। ये देखते भैया ये कितने में जाएगी अगर कुछ लेना चाहें? ये दे देंगे भैया, ये दे देंगे 90,000 रुपये की। 90,000? हाँ। तो ये भैया बता रहे हैं ये 90,000 रुपये मिल रही है पंडित जी डेयरी फार्म पर। ये देख पहला पड़िया है, बच्चा इसका डेढ़ हो चुका भैया बता रहे। अभी तो हमारे सामने ही बच्चा मरा हुआ है जी। ताजा बच्चा था, मर गया, दूध ज़्यादा पिला दिया इस वजह से बच्चा मर गया। ये देखते हैं आप लोग, अगली भैंस, तो भैया इसने कौन से ब्याह में बच्चा दिया? ये पहला पड़िया 2 दांत अभी, पहला पड़िया 2 दांत। हाँ। कब बच्चा दिया इसने? ये अभी, ये भी 3-4 रोज की ब्याह, ये ताज़ा बच्चा बंधा हुआ है इसका। 3-4 दिन? हाँ। तो ये देखते हैं आप लोग, भैया बता रहे 3-4 दिन हो गए बच्चा दिया। ये देखते हैं, तो दूध कितना कर देगी इस बार? दूध 10 लीटर देगी पड़िया। दूध 10 लीटर देगी? तो भैया बता रहे हैं दूध 10 लीटर कर देगी। ये देखते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छी भैंस, ये देखो, ये देखो। तो अगर कोई लेना चाहे भैया तो कितने में मिल जाएगी? ये दे देंगे भैया, ये भी 90,000 रुपये की दे देंगे। ये 90,000 रुपये? हाँ। तो ये भी भैया 90,000 रुपये में मिलेगी पंडित जी डेयरी फार्म पर। ये देखते हैं आप, काफ़ी अच्छी भैंस, दूध कितना बताया भैया कर देगी? दूध 10 किलो देगी पड़िया। 10 किलो कर देगी? हाँ। तो ये देखते हैं आप लोग, दूध 10 किलो भैया बताने कर देगी। ये देखते हैं ये काफ़ी बड़ी भैंस है। तो ये कौन से ब्याह में बच्चे करे? ये दूसरा है, 6 दांत है। 6 दांत? इधर आ जाओ भैया, निकल जाओ। ये दूसरा है भैया बता रहे 6 दांत है। हाँ। ये देखो तो कब बच्चा कैसे? ये भी ताजी ब्याह हुई है, हमको लगता है
पाँच छः दिन का बच्चा है इसका, चार पाँच दिन का बच्चा है। हाँ ये देखते हैं, बड़ी भैंस है, पाँच छः दिन हो गए इसको बच्चा दी। ये देखो काफ़ी सुंदर, ये तो दूध भैया कितना कर देगी इस बारी? देगी 15 किलो ये भैंस, दूध 15 किलो का देगी। हाँ बड़ी भैंस है, ये देखते हैं काफ़ी ऊँची हाइट चेक कर सकते हैं आपको, काफ़ी बड़ी भैंस है, 15 लीटर दूध करेगी भैया बता रहे हैं। क्या ये कितने में मिल जाएगी कोई लेना चाहें? ये दे देंगे 1,40,000 रुपये की। 1,40,000, ये देखते हैं आप लोग 1,40,000 रुपये मिल रही पंडित जी डेयरी फार्म पर। ये देखते हैं काफ़ी बड़ी भैंस है, हाइट चेक कर सकते हैं आप लोग। ये देखते हैं ये देखते हैं अगली भैंस आप। हाँ भैया, तो ये भैया इसकी कुछ डिटेल बताइए। ये अभी गबन है। गबन है, कितने दिन ले लेगी बच्चा करने में? तैयारी पे ही है, 2-4 दिन और ले जाएगी, 2-4-5 दिन। 2-4 दिन ले लेगी, तो कौन से ब्यात में बच्चा करेगी? तीसरा ब्यात है। तीसरा ब्यात, तो ये देखते हैं आप लोग तीसरे ब्यात में बच्चा करेगी, अभी गबन है, अभी 4-5 दिन का टाइम ले लेगी। आप सफ़र करके भैंस से कुछ मालूम नहीं होता, क्या पता आज कल ही भी आ जाए, क्या पता 2-3 दिन ले जाए ब्याने में। ये देखते हैं आप, तो दूध कितना कर देगी भैया इस बारी? दूध वो तो कहता था 18 किलो देगी, पर हम 15-16 किलो मानते हैं दूध। 15-16 लीटर, हाँ ठंडा वाला। भैया बता रहे हैं कि 15-16 लीटर दूध कर देगी इस बारी, खूब बढ़िया वाला। ये देख काफ़ी अच्छी बड़ी भैंस है ये दूध वाली। ये देख तो भैया ये कितने में मिल जाएगी अगर कोई लेना चाहे? कितने में मिल जाएगी ये वाली? ये 1.5 लाख रुपए की देगी। 1.5 लाख, हाँ ये मिल रही भैया 1,50,000 रुपये में पंडित जी डेयरी फार्म पर, काफ़ी ऊँची भैंस है, 15 लीटर दूध की गारंटी भैया बता रहे हैं कि 15 लीटर दूध कर देगी। ये देख तो भैया इतनी भैंसें अपने पास उपलब्ध थी बिक्री के जी, अभी एक तो और है उधर, सातवीं भैंस भी बनती है। हाँ सात तो भैंसें हैं। एक बार अपना एड्रेस फिर से बता दीजिए। ये हमारा एड्रेस पड़ता है कनौसी फाटक के पास, आलमबाग लखनऊ, सिंघार नगर मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर फार्म है अपना, सिंघार नगर मेट्रो स्टेशन के 1 किलोमीटर अंदर जी। तो अपना एक बार नंबर बता दीजिए, 9129973294। ये भैया का नंबर है, अभी कोई लेना चाहिए तो संपर्क कर सकता है, और एड्रेस बता दें भैया। ये देखते हैं अगली बार इसकी डिटेल क्या है। इसकी डिटेल क्या होगी? ये पहला पड़िया है, 4 दांत है। पहला पड़िया 4 दांत, हाँ। बच्चा दे दिया है? इसने बच्चा दे दिया है, इसका कम से कम 20 दिन की ब्याई हुई है। हाँ दूध कितना कर रही है? दूध इसमें 12 किलो तैयार है, 12 किलो, 4 दांत है पहला पड़िया है, 4 दांत की पहला पड़िया है, 12 लीटर दूध तैयार है भी। हाँ मौजूदा 4-12 किलो दूध इसमें तैयार है, 12 किलो दूध तैयार है भी। ये देखिए ये दे देंगे 1,20,000 रुपये की। 1,20,000, ये देखते हैं आप लोग 1,20,000 रुपये पंडित जी डेयरी फार्म पर। ये देखिए काफ़ी ऊँची भैंस है, 4 किलो। ये देखते हैं आप लोग इतनी भैंस है अपने पास उपलब्ध थी बिक्री के लिए, काफ़ी अच्छी भैंस है, सब बाहर से आते हैं हरियाणा पंजाब। ये देखते काफ़ी सुंदर है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँच सके और ज़्यादा लोग यहाँ से जुड़ सकें। काफ़ी अच्छे भैंस हैं। तो भैया कौन कौन से दिन अपने पास भैंस रहती है? भैया अपने पास कोई दिन नहीं है, पर महीने में 2 गाड़ी भैंस लाते हैं, दो गाड़ी भैंस लाते हैं। तो कोई भी आए संपर्क करके आ सकता है? हाँ आ सकता है लेने के लिए, यहाँ पे आए संपर्क करके। हाँ संपर्क करके आए, नीचे पड़िया है। तो सब अपनी भैंस बाहर से आते हैं? सब टोटल माल यहाँ का, एक भैंस लोकल नहीं रखते हम, लोकल की एक भैंस नहीं रखते हैं। कहाँ से आती है अपना भैंस? हिसार से आती है, जिंद से आती है, इन सब जगहों से भैंसें आती है। ये देखते हैं इतनी भैंस है अपने पास, कोई भी लखनऊ के अंदर व्यापारी जिंद से भैंस नहीं लाता है। सबसे महंगी भैंस जिंद की होती है, बड़ी भैंस। ये देखते हैं आप, हाँ धन्यवाद।